हेलो गाइस, तो कैसे हो मेरे जितने बड़े डीजे वाले भाइयों, आशा करता हूँ सभी से सभी खुश होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए जानकारी देना चाह रहा हूँ, जो कि इस वीडियो में देखने के बाद में आपके लिए मालूम पड़ेगा कि भाई कुछ बंदे ने जानकारी दी है। आपका स्वागत है राधे राजपूत डीजे यूट्यूब चैनल पे। तो आज एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि आपके लिए सुबह के लिए मिलने वाली है। सुबह मॉर्निंग में आपके लिए मेरी वीडियो आ जाती है, 6 से 7 के बीच में आ जाती है। तो सभी से माफ़ी चाहता हूँ भैया, अगर इस वीडियो में जरा सी भी कमी हो तो भैया मुझे माफ़ करें। और आशा करता हूँ सभी से थोड़ा जूम करके दिखा दें, जैसे कि मैंने ऑलरेडी नई वीडियो डाल पाई। क्यों नहीं डाल पाई? क्योंकि ये मेरे पापा की फ़ोटो लग रही है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपके लिए। और ये मेरा सारा कुछ यहीं पर रहता हूँ, यहीं पर बनाता हूँ ऑलरेडी, मेरी अपनी शॉप है। और डीजे लाइन में भाई मैं सभी से अन्यथा सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं वीडियो जो बनाता हूँ फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ। और भी यूट्यूब चैनल पर बंदे काम कर रहे हैं, वो फेक वीडियो बनाते हैं। खैर मैं किसी की और की तुलना नहीं करूँगा, लेकिन सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो में वो मिलने वाला है आपके लिए। जैसे कि आप एक बंदे की, मेरे पास कमेंट आया था एक बंदे का जो कि बहुत अच्छा बंदा है, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करता है। और आशा करता हूँ सभी से कि मेरी वीडियो के लिए शुरू से लेकर अंत तक ही देखें। और सभी से ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी खुश रहें, क्योंकि मैं वीडियो भाई डेली इसलिए नहीं डाल पाया क्योंकि मेरे पापा ऐसे ही ख़त्म हो गए थे 22 तारीख को, 22 से रक्षाबंधन वाले दिन। तो उस टाइम से मैंने ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं की, लेकिन इस टाइम से और अगले टाइम तक आपके लिए आपके YouTube चैनल पर बना रहूँगा और आपके लिए न्यू वीडियो आपके लिए ला के दूंगा। तो इस वीडियो में मैं इसलिए आया हूँ, जैसे कि मेरे लिए और भी परेशानी है, जैसे कि घर पर प्रॉब्लम है, जैसे पापा जी ख़त्म हो गए, मैंने आपके लिए उसमें भी बताया। जैसे कि मेरे हम 3 भाई हैं, 2 बहन हैं, दोनों की शादी हो गई, अपना खुद का मकान ये बना हुआ है, अपना घर पे भी बना हुआ है। मेरे पापा बहुत कुछ करके गए हैं मुझे, लेकिन भाई चक्कर क्या है कि आपकी जो जानकारी है डीजे लाइन में उसी लैंग्वेज में चलता हूँ और इसी लैंग्वेज में आपके लिए समझाऊँगा, क्योंकि थोड़ा मेरा दिमाग पहले से भी अपसेट था, अब भी थोड़ा अपसेट है, लेकिन फिर भी आपके लिए एक वीडियो ऐसे लेके आया हूँ जो कि आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने की है। तो सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों का प्यार मिला मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो देखी आपने और ज़्यादा से ज़्यादा आपने कमेंट लिखा और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने बार मेरे भैया डीजे वाले हैं या फिर मेरे भाई साहब हैं या मेरे चाचा जी लगते हैं या फिर मेरे और भी अन्यथा डीजे बनाना चाह रहे हैं, तो एक बंदे ने अच्छी क्वालिटी में एक कमेंट लिखा कि भैया MT कितने रुपये की आती है, 1601 प्रोटॉन की MT आती है 1601 कितने रुपए की। इसमें प्राइस भी बताऊंगा आपके लिए और इसकी क्वांटिटी भी बताऊंगा, क्योंकि सभी जितने भी डीजे वाले मेरे भाई हैं 100 में से 25% छोड़ के 75% की ख्वाहिश होती है कि मैं MT से अपनी डीजे के लिए बजाऊं। MT तो जाना माना सेट है भाई, सभी MT पकड़ते हैं और MT की तो क्वालिटी अलग है। जैसे कि आपका प्रोटॉन का जो दिल्ली वाले मेरे भैया हैं वो एलटेक वाले, उनकी दुकान से ही भाई ओरिजिनल खरीद मिलती है, कहीं से भी अन्यथा लोगे आप तो या तो अच्छे संपर्क हों उनसे तब वो आपके लिए ओरिजिनल मिल सकती है। उसका रेट भी बताऊंगा आपके लिए और इस वीडियो में वो जानकारी आपके लिए मिलने वाली है कि MT से कितना हैवी स्पीकर चलने वाला है। आप इंडियन चलाओगे तो उसका क्या होगा आपके लिए दिखाऊंगा भी। मेरे पास डबल मैग्नेट 4 इंची कॉल एक स्पीकर है, उसका क्या हाल किया है MT ने वो हाल किया है कि शायद है आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ज़्यादा नहीं, मैं आपसे खामखा आपके से रिक्वेस्ट कर दूं कि मैं ज़्यादातर तो BM वाले सेट चलाता हूं। BM का एक सेट है जो कि ऑलरेडी एलटेक वाले भैया पे ही मिलता है, उसी से लेता हूं मैं। और जो MT है मेरी, दो मेरे पास MT हैं, एक तो मेरे पास 1201 है न्यू और एक 1201 मेरे घर पर रखा हुआ है जो कि अभी भी टेप लगा हुआ है, अभी मैंने खोला नहीं है, अनबॉक्सिंग नहीं करके दिखाया है। ऑलरेडी मैंने MT की वीडियो डाल रखी है, उसे देख सकते हो। लेकिन भैया एक चीज़ की जरूर जानकारी दूंगा कि जो बंदा पसंद करता है 1201 के लिए क्यों पसंद करता है, पता नहीं हो सकता है उसमें क्या खास बात है। 1601 ज़्यादा से कम चल रही है, पता नहीं उसमें फॉल्ट आ रहा है या फिर हो सकता है कि ज़्यादा हैवी बना दिया है तो स्पीकर नहीं खरीद पा रहा है। तो आपके लिए जानकारी दे दूं कि जितने बार मेरे बंदे हैं डीजे वाले भाई जो भी काम कर रहे हैं, थोड़ा फ़ोन आ रहा है, लो भैया एक मेरे सतवीर भैया हैं उनके लिए फ़ोन दे रहा हूँ,
बुरा मत मानना भैया, इस वीडियो में आपके लिए जानकारी वो देने जा रहा हूँ जैसे कि आपके लिए, जैसे कि आप एमटी बजा रहे हो 1601 1201 या फिर 701 आती है, प्रोटॉन की एमटी ओरिजिनल होती है, आप टेक्नो की ले लो, कोई और भी ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप, ये आपकी चॉइस है। जैसे कि आपने एक एमटी ले ली, सबकी रिक्वेस्ट होती है, जैसे कि भैया ने कमेंट में पूछा था कि कितने रुपए की है भैया, तो लमसम एमटी ऐसी होगी करीब करीब आपकी 1601 56,000 की लमसम की, मतलब 56 और 52 के बीच में होगी शायद, मुझे रेट अभी कंफ्यूज नहीं है क्योंकि रेट ऊपर नीचे जाते हैं। तो मेरे पास भी एमटी 1201 है, एक 1601 आती है जो कि ज्यादा ही क्वांटिटी होती है। तो एक मिनीटॉन वाले भैया हैं और एक सरदार जी हैं जो कि अच्छी क्वालिटी का स्पीकर देते हैं, उस पर कम से कम 4 स्पीकर, आप 5 इंची बोर, अच्छी क्वालिटी का छज्जा, कम से कम 2000 वाट, 2000 वाट नहीं, कम से कम 1500-1600 वाट आप 4 स्पीकर चला सकते हो। इसमें क्या होता है, जैसे कि इंडियन होता है कोई स्पीकर, जैसे कि मैं चला रहा हूँ भाई, मैं खुद का कह रहा हूँ, मैं खुद चलाता हूँ, इंडियन चलाता हूँ प्लस इम्पोर्टेंट भी चलाता हूँ, इम्पोर्टेंट और भी चलाते हैं। तो आपके लिए एक जानकारी दे दूं ना फूकने की, जैसे कि मेरे पास एक स्पीकर ये है, थोड़ा भैया जूम करके दिखा दें, ये स्पीकर है मेरे पास एक, थोड़ा देख रहे होंगे आप, तो इसकी कॉइल ऐसी निकाली है इसने भैया स्पीकर ने कि ये देख सकते हो आप, जैसे कि ये देखो, ये यहाँ से मेरा तार वार सब निकाल दिया इसने, और इसकी जो करिश्मा है ना, सारा कुछ मैंने आपके लिए बता दिया कि एमटी का ये, जैसे कि तार निकल रहा है और ये यहाँ से इसने जला दिया, बहुत कड़ाई से जला दिया है, जो कि कॉइल वॉइल भी आप इसने ख़राब कर दी, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। कॉइल डलवाने पे कुछ बंदे कॉइल भी डलवा लेते हैं, और नंबर दूसरी बात, जैसे कि कॉइल डलवाने पे अटकने की आवाज़ आती है तो नहीं चल पाता है। तो सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो इंडियन स्पीकर है उसके लिए इंडियन मशीन चलाएं, बुरा मत मानना, चाइनीज अगर आपके लिए लगानी है, इम्पोर्टेंट अगर सेट लगाना है तो वो आपके लिए हल्का ही लगाना है, जैसे कि 4000 वाट से नीचे ही, तो आपके लिए 4 इंची बेस बजाने के लिए मिलेगा, अन्यथा आप 4 इंची कॉइल आप एमटी पे या 1201 पे 1601 पे बजाते हो तो नहीं रुकेगा, वो आपका फूक ही जाएगा, आप कितनी भी आवाज़ कम करके चला दो फिर भी जला ही देगी, क्योंकि भाई जब एमटी लगेगी तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है बजाने का। बुरा मत मानना, इस वीडियो के लिए इस पर्पज से लेके आया था कि भैया कुछ लोग बताते बनाते हैं इंडियन में सेटअप पूरा, कुछ लोग बनाते हैं अच्छा, जो लोग अच्छा पैसा लगाते हैं वो क्वांटिटी अच्छी लेते हैं, लेकिन तारीफ किसकी होती है, जो अच्छा पैसा लगा रखा है। अच्छा पैसे में क्या होता है कि जैसे कि मैंने मान लिया, जैसे कि मैंने लगा दिया 2.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये, कुछ आदमी ऐसे होते हैं जैसे 1 लाख रुपये में काम शुरू कर लेते हैं डीजे का, उसमें कोई भी क्वांटिटी नहीं आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी, देहात के मतलब से आप बजा सकते हो, लेकिन एक दूसरे की तारीफ करते हैं, यार उसका डीजे बहुत अच्छा बज रहा था, किसी साधन वाले डीजे वाले के लिए लेके चल लो, बंटी डीजे है एक, या फिर कोई भी नाम ले लो, सत्वी डीजे है या फिर राधे डीजे है मेरा नाम है, मैंने जब अच्छा पैसा लगा रखा है तो अच्छी क्वांटिटी मिलेगी, लेकिन तारीफ किसकी होती है, जो अच्छा पैसा लगा रखा है प्लस इंपोर्टेंट सामान ले रखा है। सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इंडियन सेट के लिए इंडियन स्पीकर लें, या फिर स्पीकर के लिए इंडियन ही सेट लें, और आप चाइनीज चलाओगे तो हैवी सेट नहीं चलाओगे, क्योंकि चाइनीज में क्या होता है, जैसे कि ये आपका तार निकल रहा है, इसमें बहुत कुछ निकलेगा, तार का तो पूरा सिस्टम ही खराब है, ये बहुत सारा तार अपने आप ही निकल रहा है ऊपर में से, ज़्यादा नहीं वीडियो लंबी खींचूंगा, जबकि मेरा स्पीकर ये 1200 वाट है, डबल मैग्नेट है, अच्छी क्वालिटी का है, और आपका डबल स्पैटर है, और ये डबल मैग्नेट लगी हुई है, जबकि इसके पास कोई नाम वगैरह नहीं है, क्योंकि मैंने इंडियन के हिसाब से अपने हिसाब से अच्छा स्पीकर बनवाया, अच्छी क्वांटिटी में बनवाया, अच्छी क्वालिटी है, अच्छी धमक पंच दे रहा था, लेकिन किस चीज़ से दे रहा था, ये बजा रहा था मैं पहले इसके लिए भैया शीए 12 से, जो एलटेक वाले की हैं, जो आपकी बीएम वाली मशीन है, जो कि मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर, इसका पर्पज़ था बनाने का, क्योंकि आप सेट तो हैवी ले सकते हो, लेकिन सबसे पहले बेसों के बारे में सोचो, या फिर स्पीकर के बारे में सोचो। तो ज़्यादा वीडियो नहीं लंबी खींचते हुए आपके लिए मैंने रेट बता ही दिया है, और जो मेरा स्पीकर है इतना धांसू स्पीकर है वो भी इसने उड़ा दिया, भारी भी बहुत है, ये स्पीकर थोड़ा अलग रखे दे रहा हूँ भैया, बुरा मत मानना, जो मेरी वीडियो के लिए देख रहा हूँ तो उसके लिए लाइक भी कर दें,
और नीचे रेड कलर पे सब्सक्राइब पे सब्सक्राइब कर ले जिसने नहीं किया हो। और भैया YouTube चैनल का एक तरीका होता है जैसे कि वीडियो डेली अपलोड करना, नई वीडियो डाल पाया सभी से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो के लिए देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जो मेरा YouTube चैनल है उसका थोड़ा सा नाम बता दूं, राधे राजपूत DJ YouTube चैनल। और सभी लोगों का प्यार मिला और सभी लोगों ने सपोर्ट किया तभी मेरा YouTube चैनल आगे के लिए बढ़ा। और सभी से आशा करता हूँ कि जितने भी DJ वाले मेरे भाई हैं नीचे कमेंट में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी गलती हुई हो। और जो मैंने नीचे लिंक में नंबर दे रखा है उस पर कॉल करके भी पूछ सकते हो आप कि भैया मुझे इस चीज़ की जानकारी चाहिए, सारी जानकारी दूंगा आपके लिए। मेरे YouTube चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा। और इस YouTube चैनल का एक बनाने का पर्पज़ ये था कि ऑलरेडी मैं DJ का काम तो करता ही हूँ, थोड़ी नॉलेज मेरे लिए कम है या फिर ज़्यादा है वो आप भी जानते हो। तो इस वीडियो में ज़्यादा नई वीडियो लंबी खींचते हुए सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया मेरी वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं भैया सभी से राम राम करते हुए, राम राम भैया। तो चलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, गुड लक भैया।